अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने बनाया है वेजिटेबल्स का अचार और बहुत ही टेस्टी और यमी बना था, तो आई होप आप लोगों को भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने गाजर लिए, आंबा हल्दी लिए, लहसुन लिए और कुछ कॉर्न्स लिए जो ड्राई वाले नहीं थे, ये मैंने फ्रेश कॉर्न्स लिए हैं। और यहाँ पर आंबा हल्दी जो लिए ये ड्राई वाले लिए, इजीली मार्केट से मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर मैंने मेथी लिए, बंद गोभी लिए और शिमला मिर्च लिए। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लूँगी। यहाँ पर जो है मैंने ये दाना मेथी लिए, इसको मैंने बॉयल करके ड्राई होने के लिए रख दिए। हर चीज़ जो है यहाँ पर हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं ये ड्राई होना लाजमी है, इसमें ज़रा सा भी जो है पानी नहीं होना चाहिए। पहले आप इसे अच्छा से ड्राई कर लिएगा फिर हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर जो मैंने ड्राई वेजिटेबल्स थे वो ऐड करूँगी। यहाँ पर सारे जो है मैंने वेजिटेबल्स अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिए थे, तो इस बात का ख़ास ख्याल करिएगा कि इसके जितने भी वेजिटेबल्स हैं ये सारे ड्राई होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है अब मैंने सारे वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने इसे एक घंटा पहले ही वॉश कर लिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, तो पानी होने की वजह से अचार सारा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग ख़ास ख्याल करिएगा कि ये सारी चीज़ें जितने भी हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं ये ड्राई होने चाहिए। और आप लोगों का जितना भी दिल करे यानी कि मटर भी ऐड कर दिएगा इसमें, और जो आपको अच्छा लगे इसमें वेजिटेबल्स जो आपके पसंदीदा हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 टीस्पून ड्राई धनिया लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1/2 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून राई ऐड करेंगे इसमें। तो ये एक पाव का अचार बहुत इजीली बन जाएगा। यहाँ पर जो है 2 टीस्पून मैं कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड की है मैंने इसमें। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो दाना मेथी है इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दाना मेथी को भी मैंने बॉईल करके और एक घंटा पहले इसके ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जो है ये ड्राई हो चुकी है, तो मैं इसे अच्छे से ऐड कर दूंगी इसमें और फिर हम इसे मिक्स करेंगे। तो याद रहे जितने भी यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये सारे जो है ड्राई हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इसे जो है ड्राई ही लेना है हमें, तो अचार जो है पानी होने की वजह से ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स को। बहुत ही टेस्टी और यमी होने वाला है ये अचार। तो यहाँ पर जो है अभी विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग जो है पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और जो है ये अचार जो दाल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। वेजिटेबल्स का अचार जो है सोच कर ही रह जाते हैं कि यार इतना मुश्किल होगा, अभी जो है बस सारी चीज़ों को कुछ लोग जो है इसे बॉयल करते हैं फिर इसे पकाना भी पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी के साथ आज मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए कि वेजिटेबल्स का अचार कैसे आप लोग बना सकते हैं। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए कवर करके और रूम टेम्परेचर पर ही रख दूंगी। इसे फ्रीजर में नहीं रखना है, इसे जो है रूम टेम्परेचर पर ही हम रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो ये देखें बिल्कुल चेंज हो चुका है इसका लुक, इतना परफेक्ट। और ये जो है अच्छे से मिक्स भी करके रखा था हमने, तो ये बहुत ही टेस्टी हो गया है अचार। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए हाई फ्लेम पर। तो जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे गर्म ऑयल में ही। याद रहे फ्लेम मैंने बंद कर दिया है जब ऑयल गर्म हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसमें सारे वेजिटेबल्स जो हमने मसाला लगा कर रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे ताकि भाप में अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगी सारी वेजिटेबल्स। तो ये देखें मैंने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे कवर करके रखूँगी 5 से 7 मिनट। जो नीम गर्म है ऑयल उसमें ही ये बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी, यानी कि सारे वेजिटेबल्स भी गल जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने एक पाव अचार बनाया था और इसमें जो है 1/2 किलो ऑयल मैंने ऐड किया है। तो ये देखें ऑयल बिल्कुल कम हो चुका है, तो इस चीज़ का आप लोग भी ख्याल करिएगा कि एक पाव अचार बन रहा है तो उसमें 1/2 किलो जो है ऑयल ऐड होगा, क्योंकि जो है ये ज़्यादा डीप होती हैं इसके अंदर वेजिटेबल्स अचार जो भी होता है, किसी भी किस्म का अचार होता है, केरी का, नींबू का या कोई सा भी, तो वो जो है ऑयल में डीप करके रखना होता है ताकि अचार ख़राब ना हो। तो अब मैंने इसमें ऐड किया है सिरका,
वन कप ऐड किया है, एक पाव अचार में वन कप सिरका काफ़ी है। तो अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो है कहीं से भी ये जो है रह ना जाए मिक्स होने से। तो ये मैंने बहुत अच्छे से फोक की हेल्प से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और यमी बना है ये अचार। आ गया है ना आपके मुँह में भी पानी। तो अब वेट किस बात का, जल्दी से वेजिटेबल्स को मंगाइए और अचार बनाना स्टार्ट कीजिए। कैसे मैंने ईजिली आप लोगों को बताया है, घर में ही इतना ज़बरदस्त और टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा अचार आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोगों का दिल है और भी कोई वेजिटेबल्स ऐड करने का तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको ख्याल करना है कि इसमें अच्छे से वॉश करके इसे ड्राई कर लें। तो अब मैंने इसे जार में डाल दिया है और मैं इसे सेव कर लूँगी, यानी स्टोर कर लेंगे हम इसे। आप लोग 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 2 मंथ के लिए भी। बस इसमें ऑयल का ख्याल करिएगा। ये देखें बहुत अच्छे से इसमें सारे वेजिटेबल्स डीप हो चुके हैं और ऑयल यही आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऊपर आ जाएगा। और आई होप मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही इजी लगी होगी और देखते ही देखते मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो अब वेट किस बात का, जल्दी से बनाइए अचार और इस बहन को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।